दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है इसके बारे में। जी हां दोस्तों, एक और एप्लीकेशन हम लोगों को मिल गई है जिसके थ्रू हम अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम जो भी होगा वो मैं आप लोगों को सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन ये एक ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करने की वेब एप्लीकेशन है। यानी ये एप्लीकेशन सिर्फ क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए ही बनी है, ऐसा आप सोच सकते हो। तो दोस्तों हर एक ट्रिक नए हर बार आती है, हर एक ट्रिक जाती है, लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आप लोगों को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे जिससे आप लोगों का बेनिफिट हो और आप अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाए। दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो है, यदि आप लोगों को इमरजेंसी आती है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी और आप लोगों को पैसे की जरूरत है, उस समय पे आप लोग किसी से लोन लेने से अच्छा है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले लो और उसको आप एक महीने के बाद पे कर दो। यानी आपको अपनी इमरजेंसी के समय पे काम आने के लिए ये ट्रिक है, यानी ये जो ऑप्शन हम लोग लाते हैं वो है, उसका गलत यूज कभी मत करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक जितना अच्छा है उतना बेकार भी है। आप लोगों को यदि लगता है क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और लॉसेस यानी उसका फायदे और नुकसान आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट में बता दो, मैं आप लोगों को इससे रिगार्डिंग एक बढ़िया सी वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आप लोगों का डिटेल्स में बता दूंगा कि क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी कुछ बताऊँगा आपको स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुकर आप लोगों के सामने एक वेबसाइट ओपन है digitalmarketreport.com। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जितने भी चीज़ हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं उसके बारे में सारे डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप लोगों को ऑफर्स, आपको लेटेस्ट गैजेट, आप लोगों को कम कीमत में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला ये भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यानी दोस्तों कुल मिला के आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और क्रेडिट कार्ड बैंकिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और आप लोगों को जिस किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दो, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगी। और ये वेबसाइट आप लोगों को सबसे ज़्यादा यूज़फुल तब होगी आप लोगों को 1 जनवरी 2020 से आप लोगों को यहाँ पे डेली के ऑफर्स देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक डेली ऑफर्स का जो पेज है इस पर हमने ये वेबसाइट को हमने अभी अभी लॉन्च किया है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है जो हमने दो चार दिन पहले डाला था। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं 1 जनवरी से यहाँ पे आप लोगों को डेली में ऑफर्स मिलेंगे, डेली में जो बिगेस्ट ऑफर रहेगा जिससे आप लोगों का बड़ा से बड़ा बचत होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जाके जरूर चेक करें और हमें सजेशन दें कि कहाँ पर क्या चेंजेस करना है और कहाँ पर आप लोगों को कौन सी चीज़ें देखने को चाहिए, तो वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन आप एक बार ज़रूर विजिट करें और आप लोग हमें सजेशन दें। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग देखो और ये करो, आप लोग आपकी राय हमें दो कि आप लोग इस वेबसाइट पे मैं आप लोगों के लिए क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, उससे रिगार्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे इंप्लीमेंट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करना। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो आप लोगों को लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस एप्लीकेशन का नाम है पेड किया। दोस्तों एक आप देख सकते हो एक ऑफिशियल मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम क्रेडिट कार्ड टू बैंक, आप देख सकते हो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसमें आप लोगों को अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफ़र करने को मिलता है। ऐसा नहीं कि ये बंद होने वाले, क्योंकि ये एप्लीकेशन उस चीज़ के लिए ही बनी है, तो देखते हैं कितने दिन तक चलेगी। तो दोस्तों इसकी जो भी जो वर्किंग ट्रिक यानी जो वर्क कर रहा है ये ट्रिक नहीं कह सकते, एक ऑप्शन दिया है आप लोगों को। ओके, ट्रिक किसे कहते हैं, जहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा और हमने कुछ जुगाड़ करके उसमें कुछ ऑप्शन बनाए उसे ट्रिक कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको लॉग इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताऊंगा इस एप्लीकेशन में जो भी आप लोगों को ये किया जाएगा यानी प्रोसेस बताया जाएगा वो सब कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैंने स्किप कर दिया, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करना ये मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि हर एक बंदे को रजिस्ट्रेशन करना आता है। यदि आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दो, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे
एक ऑफिशियल ऑप्शन दिखेगा जिससे आप अपना क्रेडिट कार्ड को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को हर एक ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जो आपका बेनिफिट रहेगा। ओके, यानी हर एक ट्रांजैक्शन पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और आप लोग मेरी लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को और मुझे दोनों को यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे जो हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसा ट्रांसफर करेंगे उस समय अपना जो चार्जेस लगेगा ना तो चार्जेस में वो कट हो जाएगा। यानी आप लोगों का भी बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैंने लिंक दे दिए, हम दोनों के बेनिफिट हो गए तो क्यों ना हम उसका ये लो। आप डायरेक्टली डाउनलोड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डाउनलोड किया था और यहाँ पे मेरा जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो जीरो है। यदि मैंने किसी के रेफरल लिंक से डाउनलोड करता तो मैं यहाँ से ये करता, लेकिन मैं किसकी रेफरल लिंक से डाउनलोड करता क्योंकि हमने खुद इसे सर्च किया और किसी की लिंक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें मिला ही नहीं। ओके, तो ये था इसका रजिस्ट्रेशन और बाकी का पार्ट। तो दोस्तों कुल मिला के आप यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें होम प्रोफाइल, सेंड इनवॉइस, यानी आप लोगों को यहाँ पे सेंड इनवॉइस भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, उसी के साथ साथ पेंडिंग रिक्वेस्ट, आपका कोई इनवॉइस पेंडिंग रहेगा, सपोर्ट भी इनका है यहाँ पे, फीडबैक आप दे सकते हो, रेट दे सकते हो, फ्रेंड को इन्वाइट करोगे, इतने सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिया है। लेकिन अपना जो टॉपिक है क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर, तो इसलिए मैंने इन चीजों को फास्ट बता दिया। आप लोगों को कुछ भी चीज इनमें जानना है तो आप ऑफिशियली एप्लीकेशन पे जाइए और चेक एक ईच एंड एवरी चेक कर लीजिए। आप देख सकते हो नीचे आप लोगों को बैंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ओके, तो हम उसे क्लिक करेंगे तो आप देख लो यहाँ पे आप लोगों को पे ई टू बैंक पेमेंट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई डेटा अभी तक फाउंड नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप लोगों को ऐड करना है पे, यानी किसके अकाउंट में भेजना है। या तो आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर देना है, उसी के साथ साथ अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करना है, उसी के साथ साथ निक नेम यदि आप लोगों को लिखना है तो ठीक है, ये ऑप्शनल है। उसी के साथ साथ आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, ओके, स्टेट के साथ साथ आप देख सकते हो स्टेट के जरिए स्टेट, अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना है पर पर्स और यहाँ पे प्रायोरिटी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुल मिलाकर सब चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ अमाउंट डालूंगा तो आप लोगों को चार्जेस कितना रहेगा आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 30 रुपीज़ चार्जेस, यानी 3% आप लोगों को यहाँ से चार्जेस लिए जाने वाला है। ओके, 1000 रुपये पे 3 रुपीज़, वो भी कब, जब आप अर्जेंट बेसिस पे लोगे। ओके, तो आप हाई बेसिस पे लोगे तो आपको थोड़ा कम राहत मिल जाएगी और नॉर्मल बेसिस पे रहोगे तो 25 रुपये, लेकिन यहाँ पे अर्जेंट में आप लोग देख सकते हो आपको सेटलमेंट आज के आज ही मिल जाएगा, यानी 28 दिसंबर, यानी आज की जो तारीख है आज के आज मिल जाएगा। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को डेट देखने को मिल रही है। ओके, मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो, नीचे यहाँ पे आप लोगों को डेट देखने को मिल रही है जो सेटलमेंट डेट रहेगी, यानी ये आज के आज मिल जाएगा जब आप लोगों को 30 रुपये चार्जेस लगेंगे। और आप लोग हाई प्रायोरिटी के करोगे तो आप लोग देखोगे 2.5 रुपीस बचाने जाओगे, यानी आपको 28.50 पैसे आप लोगों को यहाँ पे लगने वाला है, लेकिन 2 दिन बाद मिलेगा। ओके, और नॉर्मल पे करोगे तो 3 दिन बाद। तो आप देख सकते हो ये इसका प्रायोरिटी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ बताना था सब कुछ बता दिया है। ये आप लोगों के जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखाया। जब आप ये करते हो तो पे करोगे, आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। थोड़ा मैं अभी पूरी डिटेल्स फिल करता हूँ और बाद में मैं आप लोगों से बात करता हूँ, थोड़ा पॉज कर लेता। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेरा पूरा डिटेल फिल कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऑप्शन आप लोगों को पर्पस चुनना है। तो आप पर्पस में देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देते हैं जिसमें आप लोग बोल सकते हैं ट्यूशन फी, इंटीरियर डिजाइन, होम रेंट, वेडिंग प्लानर पार्ट पेमेंट, ऑफिस रेंट, स्कूल फीस, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने चूज़ किया है सेंडिंग मनी टू फ्रेंड और फैमिली। ओके, और अर्जेंट बेसिस पे मैंने क्लिक कर दिया। आप किसी को पैसा डोनेट करना चाहते हो तो 2 रुपीज़ आप लोगों को यहाँ पे डोनेट का भी ऑप्शन दिया, लेकिन हमने उसको अनटिक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पे पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लग रहा है, मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो जैसे आप उसे पे करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रोमो कोड यदि आप लोगों के पास होगा तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। और आपके पास कोई रिवॉर्ड पॉइंट रहेगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को 10 पॉइंट्स एट टाइम ऑफ, यानी 1 पॉइंट का 1 रुपीज़ यहाँ पे वैल्यू है। ओके, तो यदि आपके पास 10 रुपये भी रहता तो आप लोगों का 10 पॉइंट यहाँ पे रिडीम हो जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट का ये हो गया, अभी हम पे करेंगे। यदि आप लोगों के पास प्रोमो कोड होगा तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज उसको
ये करो, हम अप्लाई पे क्लिक करके देखेंगे तो कोई आता है क्या, नहीं यहाँ पे कोई प्रोमो कोड नहीं, और हम पे पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, आप लोग देख सकते हो मास्टर, वीज़ा, रुपए और वॉलेट आप लोगों को यहाँ पे ये कार्ड्स मिल रहे हैं, अमेरिकन ये भी मिल रहा है, उसके साथ साथ EMI आपके पास मोबीक्विक का वॉलेट होगा उससे भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। देर विल बी 10% एक्स्ट्रा चार्ज इन एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग फीस इफ यू आर गोइंग टू यूज MX और डिनर क्लब कार्ड्स। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई MX कार्ड और डिनर प्लस क्लब कार्ड्स होगा तो उसमें और एक्स्ट्रा 1% आप लोगों को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको कार्ड का दिखाई दे रहा है उसके थ्रू जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आगे का पेज आने वाला है, तब तक मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे और क्या क्या आप लोगों को चीज़ फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड तो बैंक ट्रांसफ़र करने की, तो दोस्तों एक आप लोगों को यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन दे रहा है। वॉलेट में आप जो चेक कर सकते हो कि कितने सारे वॉलेट है, यानी आप पेजैप का, ओला मनी, जियो मनी, फ्रीचार्ज और एयरटेल मनी, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप वॉलेट वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे उतने ही, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कोई वॉलेट नहीं चूज़ करेंगे, हम अभी क्रेडिट कार्ड चूज़ करेंगे, वॉलेट के लिए मैं अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का आपका डिटेल्स इंटर कर देना, तब तक मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल फिल कर दिया, अभी पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा पेमेंट पेज, जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप बिंदास अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो दोस्तों अभी जैसे हमें OTP आएगी, हम यहाँ पर हमारा 100 रुपये अपने अकाउंट में विद इन 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, वो इंस्टेंट ही मिलता है, यानी 1-2 घंटे के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि उसने इंस्टेंट का चार्ज लिया है, हाई प्रायोरिटी हमने दिया है, लेकिन तो भी उन्होंने उसको आज के आज ही सेटलमेंट करने का हमसे वादा किया है, तो देखते हैं कि कितना समय लगेगा। अब देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और मैं इसे ओके कर देता हूँ, फीडबैक हम बाद में देंगे भाई। और देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने एक चार्जेस, यानी मैंने ये किया था ट्रांजेक्शन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक्सिस बैंक से जो भी पैसा था वो डिडक्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं पे में ऐड हो चुका हूँ। और हम यहाँ पे एक इनबॉक्स में चेक करेंगे कोई मैसेज आया क्या, होम में भी आके हम चेक करेंगे कुछ इनवॉइस आया क्या, तो कोई बात नहीं, वो हमारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक ट्रांजेक्शन किया था और आप यहाँ पे सेंडिंग मनी टू फैमिली, यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजेक्शन ID दिया है, तो ये हमें विद इन 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिलेगा, जो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में भेजा है, कैसे भेजा है, किसको भेजा है, इसका आपने नेट अमाउंट कितना पे किया, यानी एक इनवॉइस ही है, इसमें आप लोगों को सारा कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। और स्टेटस में आप चेक करोगे तो अभी तक पेंडिंग है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और आप लोग आपका सजेशन जरूर मुझे कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, और कमेंट में रीज़न भी बताइए कि इस चीज़ की वजह से वीडियो अच्छी नहीं लगी, अगली वीडियो में हम उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपके भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही लाइक करते रहो वीडियोस को और दोस्तों के साथ फैलाते रहो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।